हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक से रिगार्डिंग, ठीक है। तो लॉगरिथमिक हमको जो बेसिक कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं और फिर उससे रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि उस कंडीशंस का हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर लॉगरिथमिक से रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ लॉग ए इंटू बी, दो को दिया हुआ नंबर दिया हुआ ए इंटू बी, तो हम इसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, लॉग ए लॉग बी कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है लॉग सिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग सिक्स को हम ले सकते हैं लॉग थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, लॉग थ्री, और ये क्या लिख सकते हैं, प्लस लॉग ये टू लिख सकते हैं, लॉग टू, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी कंडीशन है ये लॉग ए अपॉन वी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा था ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ तो यहाँ पर क्या है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये इसे याद रखेंगे कि जब लॉग ए अपॉन वी दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है लॉग थ्री अपॉन टू दिया हुआ, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, लॉग थ्री माइनस लॉग टू। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये दिया हुआ है हमको कुछ न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है तो न्यूमेरिकल से हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये याद करना है। अब ये तीसरा दिया हुआ लॉग ए टू दी पावर बी, तो ये क्या होता है, बी होता है जो वो क्या आउट में आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे दिया हुआ है लॉग ये क्या होगा, टू का पावर टू दिया हुआ है, तो क्या टू बाहर आ जाएगा, इनटू लॉग टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन दी हुई है कि जब इसकी पावर में दिया हुआ है तो ये आपका जो है वो बाहर आ जाएगा, ये लॉग ए। और ये चौथा कंडीशन दिया हुआ है कि लॉग ए और जो वो बेस में भी ए है, ठीक है। तो जो बेस और यहाँ पर जो नंबर है अगर वो दोनों सेम होते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वन आ जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि लॉग टेन, टेन क्या है, बेस दिया हुआ और हमारा टेन निकालना है, ठीक है। लॉग टेन की वैल्यू, लॉग टेन बेस टेन, बेस इज ऑल्सो टेन, तो द वैल्यू ऑफ इच वन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लॉग यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, ठीक है, इसका जो बेस बेस है वो भी एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पर दिया हुआ लॉग थ्री लेकिन बेस इज ऑल्सो थ्री, सो द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो हमको ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ फिफ्थ में देखते हैं कि लॉग वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब लॉग वन इक्वल टू जीरो होगा, बेस चाहे आपका जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इरेस्पेक्टिव ऑफ बेस अगर लॉग वन दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हमको यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर दिया हुआ लॉग वन लेकिन जो बेस है वो टेन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ लॉग वन, बेस आपका थ्री है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं सिक्स की। सिक्स में क्या है, लॉग ए बेस बी, तो लॉग ए बेस बी को अगर हम एक्सपेंड करें तो इस तरह से ले सकते हैं, मतलब जो हम यहाँ पर देखेंगे बेस को हम नीचे लिख लेंगे लॉग बी और लॉग ए लिखें यहाँ पर, लेकिन ये इनका जो बेस होना चाहिए दोनों का यहाँ पर और दोनों का बेस क्या सेम होना चाहिए। तो जैसे हम जनरली मान के चलते हैं कि जो लॉग होता है उसका जो बेस होता है वो टेन लेके चलते हैं, और कहीं कहीं हम यूज करते हैं एल एन, तो एल एन का जो बेस होता है वो हम ई लेके चलते हैं कि जो लॉग है वो ई के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि जब भी आपका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉग यहाँ पर दिया हुआ थ्री और बेस क्या है टू दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लॉग थ्री अपॉन लॉग टू, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। और सेम यहाँ पर देखेंगे सेवंथ दिया हुआ है, सेवंथ दिया हुआ है लॉग ए बेस बी, ठीक है, तो इक्वल टू क्या, अगर हमको ए देखो एक ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और ये सी और सी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी हमारा बन जाएगा, अगर हमको थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पर इसका प्रूफ, सेवन नंबर का प्रूफ यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है लॉग ए बेस बी दिया हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लॉग सी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग सी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग बी हो जाएगा। तो जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पर ये हो गई आपकी लॉग, हम इसको ले सकते हैं ए, जो बेस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, और इसको क्या ले सकते हैं लॉग सी बेस बी हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हमारी इक्वल टू में ये वैल्यू हो गई। तो बाय द हेल्प ऑफ सेवन फॉर्मूला से हम इसको लॉग ए बेस बी को
इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई में करेंगे और एक में क्या होगा, यहाँ पर नंबर दिया होगा और दूसरी जगह हमको इसका बेस लेना है, ठीक है। अब सेम अगर आठ की एट्थ की बात करें तो हम जो ये फॉर्मूला है इसको हम बाय द हेल्प ऑफ इस फॉर्मूला के सिक्स फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा वन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है लॉग ए बेस बी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लॉग ए हो जाएगी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगी, लॉग बी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें लॉग बी बेस ए की तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग बी अपॉन लॉग ए हो जाएगी। अब हम इनका इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा कि देखो ये क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करा हमने इधर कर देंगे तो हो जाएगा लॉग ए अपॉन ये लॉग बी हो जाएगा इनटू यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग बी अपॉन ये लॉग ए हो जाएगा, तो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, इक्वल टू वन आ गया। तो जो इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या, वन आ जाएगा। तो एट्थ हमारा जो रूल है वो हमारा एट्थ ये करेक्ट रूल हो गया, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस एट्थ फॉर्मूले की सहायता से हम नाइन्थवा फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, बी ए को यहाँ पर रखा है, इसको अपॉन में लेके आए, तो हमारा बाय द हेल्प ऑफ एट्थ नाइन्थ फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल एक सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दिया हुआ इफ लॉग 2x प्लस 1 बेस 1 बाई 2, ठीक है। यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ, 1 बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू दिया हुआ लॉग x प्लस 1 बेस 1 बाई 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या है, लॉग इक्वल है, उनका बेस भी क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एंटी लॉग ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंटी लॉग लेने में क्या होगा कि दोनों तरफ का लॉग है जो वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि जो बेस है अगर बेस इक्वल है तो हम एंटी लॉग ले सकते हैं, लेकिन अगर बेस इक्वल नहीं है तो हम एंटी लॉग नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने क्या, दोनों को इक्वल रखा और एंटी लॉग ले लिया, तो लॉग से ये लॉग कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा हमारा, 2x plus 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचा, x plus 1 बचा, तो 2x plus 1 equal to x plus 1 हो गया, ठीक है। तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया और तो क्या हो जाएगा, 2x minus x equal to 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। तो हमने जो पहला न्यूमेरिकल है उससे हमने क्या सीखा कि अगर हमारे दोनों तरफ का जो बेस है, लॉग का जो बेस है वो क्या, इक्वल है, तो हम वहाँ पर इस कंडीशन में हम एंटी लॉग ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कि हम लॉग को हटा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल टू, ठीक है, न्यूमेरिकल टू को देखेंगे। जैसे कि एक कंडीशन है कि लॉग यहाँ पर दिया हुआ एक्स वाई, यहाँ पर दिया हुआ जेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ, अगर हमको लॉग हटाना है तो हम क्या करेंगे, लॉग हटाने के लिए हम क्या, इसको लॉग को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये जो बेस में होता है ये यहाँ पर चला जाता है, तो y की पावर z हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको इसको याद रखना है कि जब भी ये दिया हुआ है log x बेस y इक्वल टू z, इस फॉर्म में कोई दिया हुआ है तो हम इसको log को हटाना है, तो क्या करेंगे, log को हटा देंगे, जो y होगा वो इधर पहुँच जाएगा, तो x इक्वल टू y की पावर z हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि log x square plus 8 जो बेस दिया हुआ है वो क्या, 1 by 3 दिया हुआ है, तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, जबकि 1 बाई 3 हो जाएगा वो इधर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 3 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दिया 1 बाई 3 की पावर माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 जब कहते हैं रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 बाई 3 है, अगर हम 1 बाई 3 है, 1 बाई 3 को हम 3 में लिखेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यस। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ की पावर क्या माइनस 2 है, तो इसकी पावर क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो अब क्या, घात की ऊपर घात है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन क्या प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब ये क्या था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाला हमने, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 8, ये 3 का 9 इस तरफ था, क्या है प्लस का, तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का होगा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी हमारा क्या लॉग दिया हुआ है,
ठीक है, और यहाँ पर हमको ये दिया हुआ, तो हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया, फिर हमने क्या किया कि लॉक को हटाया, लॉक को हटाएंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, 3x, 3 की पावर x-8, तो 3 की पावर x-8 हो गया, और ये 3 है जो इधर बेस में था वो क्या था, इधर यहाँ पर आ जाएगा, ये पावर में पहुंच जाएगा, तो 3 की पावर क्या 2-x हो गया, है ना। तो हमने क्या किया कि इसको हमने 3 की पावर x को हमने थोड़ी देर के लिए t मान लिया, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर x को थोड़ा सॉल्व करने में हमको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हमने 3 की पावर x को सॉल्व करने के लिए t मान लिया, बाद में हम इसकी वैल्यू जो को रख देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर, ये दिया हुआ 3 की पावर 2-x, तो इसको क्या ले सकते हैं आप, इसको ले सकते हैं 3 की पावर 2 × 3 की पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीपल में होती हैं तो पावर क्या ऐड हो जाती है ना, तो हमने यहाँ पर भी ऐसे लिख लिया 3 की पावर 2 × 3 की पावर -x, ठीक है, और ये यहाँ पर हमने जंग रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 9 हो जाएगा 9, और 3 की पावर -, हमने यहाँ पर 3 की पावर x को हमने मान लिया t, तो 3 की पावर जो -x होगा उसको वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या 1/t हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 × 1/t, 3 की पावर -x को 1/t रख दिया, और 3 की पावर x को t रखा, और -8, ठीक है। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर देखा हमने क्या होगा 9/t = t-8, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 = t² - 8t। अब यहाँ पर हमने इसको t के लिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे जो t की वैल्यू आई वो 9 आ गई और -1 आ गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे t की वैल्यू थी वो क्या थी, 3 की पावर x थी, तो अब t की वैल्यू क्या आई, 9 आई, तो 9 को तो हम ले सकते हैं कि 3 की पावर 2, तो जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना, तो ये आ गया। लेकिन अगर हम t की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर x दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 की पावर में कुछ है तो वो क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड नंबर हो गया, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, जो हमारी x की वैल्यू ट्रू वैल्यू आ गई वो क्या है, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, फोर्थ में, तो log 10^x = 98-x दिया हुआ है, log 10^7 तो फाइंड x। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने वहाँ प्रॉपर्टी देखी थी कि log a की पावर b दिया हुआ है, तो जो हमारा b होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता था, तो b log a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो x है उसको बाहर लाया, तो क्या होगा, x log 10 हो गया = 98-, सेम यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, तो जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -7x और log 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या, x log 10, और ये 7x log 10 को भी इस तरफ लाए हमारे लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर प्लस में हो गया, = 98 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने log 10 को कॉमन ले लिया, log 10 को कॉमन लेंगे तो हमारे क्या, ये x + 7x हो जाएगा, तो x + 7x = 8x हो गया, log 10 = 98, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया कि अगर सिंपल log x लिखा हुआ है तो अगर log लेते हैं तो उसमें जो जनरली जो बेसिक होता है वो क्या होगा, बेस होता है वो 10 होता है, और मैंने आपको बताया कि जब भी log a इक्वल टू दिया होता है तो 1 होता, मतलब बेस और ये नंबर दोनों इक्वल हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पर log 10 की बात करें तो log 10 की वैल्यू भी क्या 1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमने log 10 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 1, तो 8x = 98, सिंस log 10 की वैल्यू क्या 1 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 98/8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 × 8 और 49 98, अभी 4 से काटेंगे 4 × 4 = 8, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.25 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जो लॉग के जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं वही सब यूज हो रही हैं, जो हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज बता रहे हैं तो वही सब प्रॉपर्टीज आपके प्रत्येक न्यूमेरिकल में लगेगी, और जो लॉगरिथमिक ये सिंपल भी होता है, और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग सारे वीडियोस मिलेंगे, और आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, थैंक यू।